लोकसभा संचालन समिति की आज जो कार्यकर्ता अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र के जिन दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने बुलाया गया और पार्टी ने जो कार्यक्रम अभियान तय किए, हम लोगों ने जो भविष्य में हमारे कार्यक्रम दल की ओर से आए हैं उन कार्यक्रमों की समीक्षा और उनके अनुपालन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और नीचे तक हम संगठन के आधार पर चुनाव लड़ने वाले दल हैं और अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास से ही राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में रहे हैं। तो उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक ग्रामीण क्षेत्र तक बूथ तक जाने के कार्यक्रम, उनके प्रवास के कार्यक्रम हम लोगों ने बनाए। 80 की 80 सीटें भाजपा जी सपा बसपा का गठबंधन होता है तो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है 50+1 50% से ज़्यादा वोट प्राप्त करके सभी सीटें हम जीते। मंदिर निर्माण हमारे एजेंडे में है और हम लोग पूरे प्रयास पूर्वक इस काम में लगे हैं। जितनी जल्दी से जल्दी हो मंदिर निर्माण, सरकार का स्टैंड क्लियर है और इसके दो ही रास्ते हैं। मामला कोर्ट में है, अदालत में है और सबकी अपेक्षा ये है कि जल्दी से जल्दी इसमें निर्णय हो और मंदिर निर्माण में जो अवरोध हैं वो दूर हो। तो जो पुरानी सरकारों ने लीकेज छोड़े हैं, तो पुरानी सरकारों के पाप हैं, उन्हें हम दूर करने का काम कर रहे हैं और सरकार संकल्पित है जहाँ जहाँ से जो शिकायतें आई हैं उनमें कठोर कार्रवाई करने का काम सरकार ने किया है और CBI की जांच भी उसी कड़ी का हिस्सा है।